कई दिनों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पिता मुलायम सिंह यादव और बेटे अखिलेश यादव में चल रही खटपट का आखिरकार नतीजा आ गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव को 5 साल के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, मगर इस ऐलान के बीच पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव नदारद रहे थे। बता दें आपको, इस बात का ऐलान आगरा में सपा पार्टी के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया है। अखिलेश यादव ने झंडारोहण करके कार्यक्रम का आगाज किया। इस सम्मेलन में अखिलेश यादव को 5 साल के लिए पार्टी संविधान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बता दें आपको, इस दौरान पार्टी के महासचिव आजम खान, रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, धर्मेंद्र यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। बताते चले आपको कि आगरा के तारघर मैदान में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जहां पर यूपी सहित 25 राज्यों के पार्टी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि बीते साल से ही पिता मुलायम सिंह यादव और बेटे अखिलेश यादव में पार्टी की कमान को लेकर द्वंद्व युद्ध चल रहा है। बीते दिनों मुलायम सिंह ने कहा था कि अखिलेश अपने पिता के नहीं हो सके तो वो कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।